हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। रगड़ा दही पूरी जो बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट किए हम रगड़ा दही पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने रगड़े को तैयार करेंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमने एक कुकर लिया है, उसमें 250 ग्राम मैंने मटर रात को भिगो के रखा था, तो उसको बॉईल करेंगे कुकर में डालकर। तो अभी हमने डाल दिया है, इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। तो अभी इसमें पानी डाल के हम इसको बॉईल करेंगे। हमने 1 गिलास तक पानी डाला है गाइस। ढक्कन को बंद करके 3 से 4 सीटी तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। अभी हमने 1 कप दही लिया है और उसमें 2 स्पून शक्कर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। अभी हमारा दही रेडी है तो इसको साइड में रख लेते हैं, पूरा स्मूथ हो गया है। अभी हम अपनी हरी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने हरी धनिया अच्छे से धो के ले लिया है और 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने अनुसार आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हो। और पुदीना लिया है 1/2 कप और 1/2 कटोरी मैंने सेव लिया है नॉर्मल वाला और 1/2 नींबू का रस, 6 कलियां लहसुन की लिया है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और पानी डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। तो अभी हमने बारीक पीस लिया है तो इसको साइड में रख देते हैं। तो अभी हम अपने कुकर को खोलते हैं। ये देखिए हमारा ये रगड़ा पूरी तरह से पक गया है, इसको हम थोड़ा चला लेते हैं। अब रगड़ा को पानी डाल के ढीला भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप इसको ढीला करके रखेंगे या ड्राई। थोड़ा मैंने थोड़ा ड्राई रखा है, तो आपको अगर ड्राई लगे तो थोड़ा आप पानी डाल लीजिएगा। और इसमें हमने भुना हुआ जीरा डाला है थोड़ा सा और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी हमने बाउल में निकाल लिया तो उसको साइड में रख के अभी हम चलते हैं अपना पूरी को तैयार करते हैं। उसके लिए हमने एक प्लेट लिया है और उसमें अपनी पूरी को इस तरह तोड़ के रखेंगे। इसी तरह मसाला पूरी को तोड़ लिया आपने। अभी हम इसमें अपने रगड़े को जो बना के रखे थे वो डालेंगे। अभी सभी पूरे में हमने रगड़ा को डाल दिया। तो अभी हमने बॉईल हुआ 1 मीडियम साइज का आलू लिया था, उसको हमने मैश करके नमक डाल के रखा था वो डाल देते हैं। इसी तरह हमने सब पूरी में अपने आलू को डाल लिया है। बारीक ऑनियन काट के रखा था वो डालेंगे। अभी जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा मैंने यूज किया यहाँ पे, वो डालेंगे। और चाट मसाला ऊपर से। और टमाटर हम भूल गए थे गाइस, वो डालेंगे। और इसके ऊपर से हरी चटनी, इसको भी हम पूरी तरह से डाल देते हैं। और मीठी चटनी ये डालेंगे। अभी हमने जो दही तैयार करके रखा था वो डालेंगे। ये अभी हमने डाल के रख हो गया है। अभी इसके ऊपर से फिर से भुना हुआ जीरा डालेंगे।
और कश्मीरी रेड चिली पाउडर वो भी डाल देते हैं इसमें। और ऊपर से सेव डालेंगे। अभी सभी पूरी में हमने ऊपर से सेव डाल दिया है, तो ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए हरी धनिया की पत्ती बारीक काट के रखा था वो डालेंगे, और ऊपर से दाल में जो रोस्टेड चना दाल होता है वो डालेंगे और शेंग दाना डालेंगे। और इसके ऊपर से हम टमाटर चॉप किए हुए डालेंगे और एक प्याज बारीक कटा हुआ वो भी डालेंगे। अभी हमारा पूरी पूरी तरह से रेडी हो गया है खाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ईजी है बनाना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।